क्या तुम्हारा इनाम यही तक चाहिए? हम लोग सबके सामने नहीं, अंदर ही चलो, जितना मर्जी उतना ले लो। आप सबके सामने आएंगे, सामने आएंगे, अंदर में नहीं आएंगे, अंदर नहीं आएंगे, भाई बाहर ले आएंगे, बाहर ले आएंगे। इतने सारे आदमी बैठे हैं, हमें तिजोरी में अपना बाहर निकाल दो, भला क्या होगा? चलो चलो चलिए, और अभी तो मेरा वफा चाह लो ठीक चल रही है। हजूर आज हो गए दरबारे चाह और उससे गुलाब का खिलाओ, ठीक है? Oh, come on!
किसानों ने ये बरगुना किसान जो ठाकुर साहब पैदा लेकर गया और आज तक नहीं वापस आया। बरगुना किसान हमारे यहाँ से कर्जा लेकर के गया और जब तक एक पैसा भी नहीं दिया। जो कि भाई बेटा का नाम दो बेटा बाटे हैं अमृत अमृत बिठवा और बड़का बिठवा हमारे पढ़ाई करे के लिए बनारस गए वाले हैं और हमारे धर्म पत्नी लाजवंती बा चली खेती किसानी करके हम अपने परिवार के पेट पालेगा। अच्छी खेती देखी यह समय खेती के समय आ गई बा गेहूं के बुवाई के समय आ गई बा। काका अरे तो बुढ़ौती में हमार साथ छोड़ के बगली आ जा रही है। चलो देख जा खेतवा में कुछ काम हो जाए लेकिन हमारे वो जबरमा है कुछ चुटकुल्ला तो हो जाए। अरे हमारे धरती किया हमने धरती
बड़ी परेशानी का एक आका जनता बाटा आज करके पढ़ाई बड़ा फैशन से होत बा, यही आते कॉलेज में लेट होत बा। चल थोड़ा सा और काम कर जाए चलते होई बटुआ। ऐसे लग रहा है कि पूना शहर का सबसे बड़ा चमीदान हराम सादे, तो हमारे ठाकुर साहब से कर्जा लेकर आया और आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। चुप ठाकुर साहब। बबुआ और हराम ज़ादे, इतना देर हो गया मुझे यहाँ आए, लेकिन ये भी तंग रास्ता बबुआ नमस्ते। मैं यहाँ नमस्कार लेने नहीं आया हूँ, अपने ठाकुर साहब का कर्जा लेने आया हूँ। वो कर्जा चुपचाप दे दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। धान के फसल सब सूखा ले गई, अब गेहूं के फसल उग जाई, तो वही के बीच के आपको कर्जा चुका दे। अच्छा, तो धान का फसल सब खत्म हो गया। हराम ज़ादे, कहता है या नहीं? पाल अपने पास अभी फूटी कौड़ी ना बा, काश तार कर जा चुकी हूं। तय पकवा सीधी तरह से कर्जा दे दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बता हरामजादे, ये पैसा दे सरकार हमारे बाहर पटे सके, आप मारल गए पटे सके। इसे सीधी तरह से बोल कर्जा दे दे, कुछ दिन के मोहलत दे देंगे ठाकुर साहब, कुछ दिन के मोहलत। तुझे मोहलत चाहिए? ठीक है, मैं तुझे मोहलत। हम अपने लाजवंती के गाना बिखो बेच करके तो आज कर्जा ला करके दे। अब हराम ज़ादे, चाहे तू अपने बीवी का गाना बिखो बेच या तू उसे बेच,
इससे मुझे परवाह नहीं है, मुझे पैसा चाहिए। ठीक बात, तेरी गाय जहां गाय पैसा लेते हैं। भाग गया हराम जादा, तू कहा था उसे ले भाग गया। अच्छा एक बात बताओ, हाँ तू खाली मर ही बता रही बात मारे सब मत, ये सब क्या कर रहा है, निकाल दे मार ले। भाई जब मारे खर्ची नाची पहले हमारे पास टाइम नहीं है, देख वो बड़कुआ भाग गया, बहुत अच्छा किया। अब मैं चल रहा हूं ठाकुर साहब के पास, लोग आग बुझाने के लिए पानी डालते हैं, लेकिन उस आग में रंजीत सिंह पेट्रोल डालेगा। गजब हो गया सरकार, अबे क्या करना हो गया, मैं तो वहां से दौड़ते दौड़ते आया हूं अभी। गरीबी हमें इस मोड़ पर ला सकती है।
मैं अपने बेटे को पढ़ाऊं या ठाकुर का कर्जा चुकाऊं, किसी तरह से भाग करके जान बचा करके यहाँ आया हूँ, थोड़ा सा आराम तो कर लूं। देखिए ठाकुर साहब, ये आपसे नमस्कार भी नहीं कर रहा है। देखिए और गहरी नींद में सो रहा है, वजह से मुझे धक्का मार के सुनाओ। आपको देखा ना मैं सरकार जी, आपको आपको देखा ना मैं सरकार जी, इसलिए गलतियां माफ कर दीजिए। हम गरीबों को थोड़ा तरज खाइए, हम गरीबी को रहूं कदम के। आराम जगह मुझे डॉक्टर तुम नमस्कार भी नहीं किया, हमारे यहाँ खलत तरीका कुछ क्या बात। बांधवा किसान, आज मैं तेरे पास अपना कर्जा मांगने के लिए आया हूं। ठाकुर साहब कुछ तो मोहलत दे दो, हमें आपका कर्ज चुका दूंगा। आप तेरे पास एक मिनट के लिए भी मांग, हमारे यहां से जो कर दिया है हमें नहीं पास में मेरे एक पास में नहीं पास में मेरे एक पैसा चुकाओ भला आपका कर्ज। पूरा शहर वाले देखे तो हमारे दहशत से था। दीजिए कुछ दिनों की मोहलत मुझे, दीजिए कुछ दिनों की कहोगे करो। ऐसा
जुल्म न करो, मेरे इज्जत की धज्जियां मत उड़ाओ, मेरे इज्जत की धज्जियां मत उड़ाओ। तेरे पास इज्जत है, ऐसा जुल्म मत करिए ठाकुर साहब, ऐसा जुल्म मत करिए। आराम साहब ने अभी कहा जुल्म किया, ये तो जुल्म का शुरुआत हो रहा है। जो नहीं अब हम करेंगे, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं चाहता हूं मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्या देख रहे हैं हमारे पिता श्रीदेव अमृत के पिता को 500 रुपए की काठी को बंदी बनाने लेके जा रहे हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ, देखती हूँ कि अमृत कहाँ है, अमृत के माँ कहाँ है। चलो अगर मैं पाँच
आपके पिताजी को मालूम चलेगा तो मेरे स्वामी को मुझे और मेरे बेटे को फांसी अंग्रेजी हाथ में जब रहे ये सब है। कहीं आपके पिताजी का पता चल गया कि आपने हमें 500 रुपए दिए हैं तो हमें जिंदा जला दिया। हम आपके ऐसा जीवन भर नहीं भूलेंगे। इसमें ऐसा ठीक है बात है मैं माँ को जानती आपको जानती मुझे आप लोग जानते ठीक है छोटे छोटे अच्छा मैं चलती तुम चल जाओ ठीक है। माँ इस वक्त हमारे पिताजी बहुत मुसीबत में हैं। हमने